सांप एक रेंगने वाले जीव हैं, जो आयरलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। दुनिया भर में 3000 से भी ज्यादा प्रकार की सांपों की प्रजातियां, जिनमें से 750 सांप जहरीले हैं और 250 तरह के सांप इंसानों पर हमले करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे सांपों के बारे में अनसुनी जानकारी। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप साउथ स्केल्ड वाइपर है, जो दूसरे सांपों के मुकाबले सबसे अधिक लोगों की जान लेता है। एक मरे हुए सांप से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ घंटे बाद भी मरा हुआ सांप आपको काट सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार सांपों के पूर्वजों के 4 पैर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये गायब हो गए और ये रेंगने वाले जीव बनकर रह गए। साइंटिस्टों का मानना है कि सांपों के डरने की वजह से सांप इंसानों पर हमला करते हैं। सांप का शरीर जितना गर्म होगा वो उतना ही जल्दी अपने भोजन को डाइजेस्ट कर पाएगा। जहाँ एनाकोंडा अपने शिकार को कई हफ्तों में डाइजेस्ट कर पाते हैं, वहीं दूसरे छोटे सांप 3 से 5 दिन में डाइजेस्ट कर पाते हैं। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है, जिसका वजन 270 किलो तक होता है और लंबाई 16 फीट से भी ज्यादा। सांप की पलकें नहीं होती और सांप भोजन को निगलते हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं होते। दुनिया में 3000 से भी अधिक तरह के सांप पाए जाते हैं। कोबरा और ब्लैक मांबा का जहर सबसे जहरीला होता है। सांप सूंघने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। पानी में रहने वाले ज्यादातर सांप स्किन से भी सांस ले सकते हैं। एनाकोंडा पानी के नीचे 10 मिनट तक सांस रोक सकता है। सांप अपनी आंखें खोलकर सो सकते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा है, जो पूरे एशिया में पाए जाते हैं। भारत में इसे काला नाग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पूजा भी होती है। इसके साथ ही किंग कोबरा दुनिया में सबसे बुद्धिमान सांप है। दुनिया का सबसे तेज रेंगने वाला सांप ब्लैक मांबा है। सांप के काटने से 40,000 से भी अधिक लोग मारे जाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से 10 सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिसमें ब्लैक मांबा और किंग कोबरा भी शामिल है। सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। सांप बिना भोजन के 2 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये नमी वाले इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं। किंग कोबरा यदि एक हाथी को काट ले तो उसकी मौत कुछ ही सेकंडों में हो जाएगी। इनलैंड टाइपन स्नेक का जहर एक बार में 80 से भी ज्यादा इंसानों की जान ले सकता है। रेटल स्नेक ऐसा सांप है जिसके सिर पर सिंग पाए जाते हैं। दुनिया भर में 200 तरह के सांप ऐसे होते हैं जिनके पास दांत होते हैं, लेकिन इन दांतों का प्रयोग काटने के लिए होता है, ना कि खाना खाने के लिए। साइंटिस्टों को ऐसे सांपों का डीएनए मिला है जिनकी लंबाई 50 फीट से भी ज्यादा थी। सांपों के काटने से कम लेकिन इनके डर से ज्यादा इंसान मरते हैं। सांपों का इंसानों पर किया गया हर हमला आज तक सफल हुआ है। सांप साल में 3 बार से ज्यादा अपनी स्किन बदलते हैं। सांपों का जहर 2 तरह का होता है। कुछ सांपों का जहर हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है, वहीं कुछ सांपों का जहर हमारे टिश्यू पर। सांप इंसानों की तरह उल्टियां भी कर सकते हैं। वो ऐसा खतरा होने पर करते हैं जिससे उनका वजन कम हो जाए और वो तेज स्पीड में वहां से भाग सके। एक सांप की एवरेज एज 15 से 20 साल तक होती है, जबकि कुछ सांप एनाकोंडा, पाइथन 50 साल से भी अधिक जिंदा रह सकते हैं। लेप्टोटाइफ्लॉप्स कार्ले दुनिया का सबसे छोटा सांप है, जिसका साइज 4 से 5 इंच तक होता है। सांपों की बॉडी का टेम्परेचर आसपास के एटमॉस्फेयर के अनुसार कम ज्यादा होता रहता है। कई सांपों के 2 सिर होते हैं। दोनों सिर भोजन के लिए कई बार आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।